रेवाड़ी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी जिले के गांव रतनथल का एक परिवार इको गाड़ी में सवार होकर बउआ गांव में शादी समारोह में गए थे। शादी में शामिल होने के बाद ये परिवार वापिस अपने गाँव लौट रहा था, तभी कोसली कनीना रोड पर गुजरीवास गांव के पास सामने से आ रही एसेंट गाड़ी ने इको को टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इको और एसेंट गाड़ी के चालकों सहित 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ियों की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर हुआ होगा, जो कार के परखच्चे उड़ गए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हादसे की क्या वजह रही, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। सर, हम शादी में से आ रहे थे वापस घर के लिए कनीना से, और नाहड़ से 1 किलोमीटर आगे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, फिक्स तो मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर क्या है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे एक सामने से गाड़ी आई स्विफ्ट डिजायर, वो हमारी तरफ आ रही थी, यानी कि हमारी साइड। तो हमारे वाले ड्राइवर ने सोचा कि मैं इसकी साइड से निकाल लूँ, ये हमारी साइड आ रहा है तो मैं इसकी साइड से निकाल लेता हूँ। जैसे उसने उसकी साइड थोड़ी सी ली, तुरंत उस ड्राइवर ने अपनी साइड में। आप कनीना से कहाँ जा रहे थे और कितने लोग थे आपकी गाड़ी में? हमारी गाड़ी में जी 5-6 बंदे थे, 1-2 बच्चे थे छोटे मोटे, सबके चोटे आई है। 2 एक्सपायर हो चुके हैं सर और बाकी सभी को चोटे हैं। कहाँ कहाँ के लोग थे जो आपकी गाड़ी में थे? सारे एक ही गांव के थे, मेरे गांव से रतनथल से थे। रतनथल से मेरे चाचा ताऊ वहाँ के लड़के, मेरे भाई, मेरे चाचा है। कितने बजे घटना हुई है? रात कोई 1:30 बजे से मैसेज मिला था भी, वहाँ पर गुजरवास गांव है नाड़ के पास है, एक्सीडेंट हो गया। एक तो एसेंट गाड़ी थी और एक अपने बोधे की गाड़ी, तो उसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक सवारी उसमें मौके पर एक्सपायर हो गई। 5-6 आदमी इंजर्ड हैं जिनको ट्रामा सेंटर में दाखिल करवाया, तो अभी बयान लिख के कार्रवाई कर देंगे, पोस्टमार्टम करा के डेटा बस। क्या कुछ हादसे का कारण अभी सामने आया है सर? तो आपस में अभी बिग मेरे ख्याल बैलेंस उनका आपस में धनु गाड़ियों का हुआ हो गया था, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। बाकी मौके की विजिट करके जो भी सच्चाई होगी सारी बात। घायलों क्या कंडीशन है? घायल अभी ठीक है, घायल जो है ना उनसे बातचीत हुई है अभी वो ठीक है, लेकिन जो 3 आदमी मरे हैं वो।